अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो है यहाँ पे ईजी लोन पर्सनल लोन ऐप है यहाँ पे, तो आप इस ऐप से जो है वो किस तरह से जो है वो लोन वगैरह ले सकते हैं। 50,000 तक जो है वो लोन आप ले सकते हैं इस ऐप से। तो आप किस तरह से इस ऐप से जो है वो लोन ले सकते हैं वो सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने कहीं पर वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि मैं जो भी आपको तरीका बताऊँगा वो आपको पूरा पूरा समझ आ और आप जो है यहाँ पर जो है वो कोई पॉइंट जो है वो मिस ना कर सकें, ठीक है। तो सिंपली आपने सबसे पहले जो है वो अपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ओपन का, तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। यहां पे ओपन करने के बाद ये आपको ऐप के अंदर ले चलेगा। तो यहां पे आपने सबसे पहले यहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे 45,000 और ऊपर आपको यहां पे 50,000 नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पे 182 दिन और यहां पे 91 दिन आपको नजर आ रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना होता है। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपने यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई किस तरह से करना है और लोन आपको किस तरह से जो है वो मिलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे अकाउंट नज़र आ रहा होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है अपना नंबर देना है, ठीक है। नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने OTP देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे गेट OTP के पे क्लिक करना है, ठीक है। OTP पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे जो है वो एक मैसेज आएगा। जैसे ही वो मैसेज आएगा तो वहाँ पे आपने मैसेज वो कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। वो सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना नंबर दे दिया है। अब मैं यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड जो है वो शो हो रहे हैं। तो अभी मेरे पास जो है मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास जो है मैसेज आ चुका है। तो मैं मैसेज के अंदर जाके आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो आपको मिलेगा और आपने किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला जो मैसेज है नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा ईजी लोन की तरह से ये मैसेज आया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है वो ईजी लोन की तरफ से आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका कोड जो वेरिफिकेशन कोड है पड़ा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8843 ये वाला, ठीक है। तो सिंपली आपने ये वाला कोड जो है उधर पेश कर देना है। ये 15 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद जो है वो दोबारा आपको जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8843 ये कोड मैं जाके लगाता हूँ वेरिफिकेशन कोड जाके ईजी लोन ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो वाला कोड लगाता हूँ जो हमें वहाँ पर मैसेज में आया था, ठीक है, 8843। तो यहाँ पे ये कोड लगाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो पे कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वो OTP कोड जो है यहाँ पे इंटर किया, अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 50,000 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपने यहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे जो है वो ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद ही जो है वो आपको लोन मिलेगा। आप ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं करेंगे तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म किस तरह से आपने फिल करना है, फिल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो है एड्रेस लिखना है, जो आपका खुद का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप कितना पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, एजुकेशन आपने यहाँ पे अपनी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मैरिज स्टेटस देना है कि आप जो है शादीशुदा हैं या आप जो है कुंवारे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पर्पस देना है कि आप किस तरह से, किस वजह से जो है यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी लिख देना है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लेना चाहता हूँ, या मैंने कोई काम करना है, यहाँ पे मैंने शॉप वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फॉर्म को फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है फॉर्म जो है सारा फिल कर लिया है। फॉर्म फिल करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्म जो है यहाँ पे खुल के नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म मेरे पास आया है, तो मैं यहाँ पे इसको फिल करके इसको फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म जो है ये भी मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पे आपने देना है कि आप कौन सी जॉब करते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिख देना है। मंथली इनकम आपसे पूछेंगे तो आपने 10,000 से 50,000 तक लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपको सैलरी किस दिन मिलती है, तो आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है जो भी आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपने उधर लिख देना है। तो यहाँ पे ये तीन जो फॉर्म है यहाँ इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ इसको छोड़ दें। उसके
उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास इस तरह के दो फार्म जो है यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना इंटर जो है नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, फिर आपने यहाँ पे रिलेशनशिप इंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तीसरा दूसरा जो फार्म आपके पास नज़र आ रहा है तो इस पर आपने क्या करना है, इस पर आपने अपने भाई का नंबर दे देना है और उसका नाम वगैरह जो है वो दे देना है। तो यहाँ पर मैं फिल करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये फार्म जो है ये भी कम्प्लीट कर लिया है, फिल कर लिया है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरह का जो है वो SMS का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको कर देना है ओके। तो यहाँ पे आपने ओके किया, उसके बाद आपने इसको सारे जितने भी कहेगा यहाँ पे आपने अलो करते जाना है। तो यहाँ पे मैं इसको अलो कर देता हूँ सारों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी ऑप्शन आते हैं सबको आपने अलो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप वहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है इस तरह का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपने ID कार्ड के जो है फ्रंट की जो है पिक्चर वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपने जो है वो बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फेस जो है यहाँ पर देना है, आपने यहाँ पर फेस अनलॉक जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से आपने रिकॉग्निशन आपने यहाँ पर करानी है अपने फेस की कि आप खुद हैं जो शिनाख्ती कार्ड पर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपकी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है जितने भी पैसे होंगे आपने जितने भी अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे आपको वो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।